नमस्कार श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट में हम एक कहानी लेकर आए हैं। मैं वैशाली आज के इस पॉडकास्ट में समकालीन विधवा महिलाओं के सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर गिरीश बिल्लौरे मुकुल द्वारा लिखी एक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। यह कहानी महिलाओं के अधिकारों का संपूर्ण विश्लेषण और परीक्षण हो सकता है, यदि आप गंभीरता से सुने तो। हरे मंडप में तपन। रोड एक्सीडेंट में वैभव के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सुनकर चेतना लक्ष्मण की उर्मिला की तरह पत्थर बन गई थी। अस्पताल पहुंचकर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह है भी या नहीं। अपने अस्तित्व को दुख की सरिता में बिना खूंटे से बंधी हुई नाव की तरह अस्थिर थी। चेतना के मन में आसन्न भय और ईश्वर के प्रति विश्वास के दृश्य बार बार उपस्थित हो रहे थे। ऑपरेशन थिएटर से निकलने वाले हर एक से वह यह सुनना चाहती थी कि खतरा टल गया है। कभी अचेत हो जाती, कभी होश में आती। चेतना में अब चेतना शेष थी ही नहीं। 18 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद भी चेतना के लिए सकारात्मक सूचना नहीं थी। ऑपरेशन थिएटर से आकर डॉक्टर ने बस इतना कहा था, आई एम सॉरी। इस वाक्य ने चेतना के जीवन के हर एक उत्साह का अंत सा कर दिया था। वैभव की देह दहरी पे लाकर रखी गई, फिर उठाकर ले गए। आम तौर पर ऐसा ही तो होता है। चौखट के भीतर सामाजिक नियंत्रण रेखा के बीच एक नारी रह जाती है, जिसे लोग अबला, बेचारी, विधवा, मजबूर का नाम देते हैं। दिन, महीने, साल धीरे धीरे बीत रहे थे। यह सच है कि परिवार के लोग परिचित अपरिचित सभी विशेषज्ञ और सलाहकार बन जाते हैं एक विधवा के लिए। विधवा के अधिकारों और कर्तव्यों की खुलकर व्याख्या कर दी जाती है। उसे कैसे अपने आचरण से कौटुंबिक यश को बरकरार रखना है, सब कुछ ठूस ठूस के सिखाया जाता है। चार लोगों का भय दिखाकर चेतना दर्द और स्तब्धता से बच्चों की भविष्य के जीवन के बारे में उभरते विचारों के कारण साल भर से भी कम समय में उबर गई। भूलना बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ना भूलना एक बीमारी कही जा सकती है। धीरे धीरे 25 बरस कब बीत गए कोई समझ ना पाया। चेतना 25 बरस पहले की नारी अब एक परिपक्व पौढ़ावस्था को जी रही है। खुद के जॉब के साथ साथ बेटे संयम, बेटी संयुक्ता को पढ़ाना लिखाना उसके लिए प्रारंभ में जरा कठिन था, बाद में उसके जीवन का अभ्यास बन गया था। कहते हैं ना, संघर्ष से आत्मविश्वास का सृजन होता है। वही कुछ हुआ चेतना में। एक सुदृढ़ नारी बन पड़ी थी। चेतना ने आत्मबल बढ़ाने के हर प्रयोग किए। किस दबंगियत से लंपट और गंदे लोगों से मुकाबला करना है बेहतर तरीके से सीख लिया था। बच्चों का इंतजार करते करते बालकनी में बैठी आकाश पर निहारती चेतना ने एक पल अपने फ्लैट को निहारा, फिर सोचने लगी, 15 साल तक ब्याज और किश्तें चुकाकर अपना हुआ फ्लैट उसके अपने संघर्ष की कहानी है। वैभव के साथ खुद की कमाई के आशियाने की कसम खाई थी, पर वैभव के जाने के बाद कसम को पूरा करना कितना मुश्किल सा था। किराए के मकान में रहना उसे अक्सर भारी पड़ता था। इस फ्लैट का डाउन पेमेंट के इंतजाम की गरज से भावुकता और विश्वास के साथ भाई के घर गई थी। तब भाई ने कहा, चेतना 10-20 हजार उधार दिला सकता हूँ, पर 1 लाख मेरे लिए मुश्किल है। बहन, बुरा मत मानना, मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। भाई की बात सुनकर चेतना को याद आ रहा था कि पिताजी के निधन पर वैभव के साथ वो पहुंची थी। तीसरे ही दिन अस्थि संचय के बाद भैया ने बड़े शातिराना तरीके से मकान जमीन के लिए किसी पेपर पर दस्तखत कराए थे। तब भैया ने कहा था, बहन, तेरा भाई हर पल तेरे लिए बाबूजी की तरह मुस्तैद है। सभी जानते हैं बाबूजी के श्राद्ध को फिजूल खर्ची बताकर लेश मात्र खर्च ना किया। पारिवारिक का वास्तविक अर्थशास्त्र तो दस्तखत वाले दिन ही समझ चुकी थी।
परंतु आज बड़े भैया की वादा खिलाफी का परीक्षण भी हो गया। खैर, युक्तियों से मुक्ति का मार्ग खोजती चेतना ने वैभव के साथ ली कसम को पूरा किया। संयुक्ता के जॉब में आने के बाद संयुक्ता की पसंद के लड़के से शादी की रस्म पूरी होनी है। 2 दिन बाद बारात आएगी। आज खलमाटी की रस्म है। भाभी ने कहा, बहन आप ना जा पाओगी, मंगल कार्य में सधवा जाती हैं। फिर चेतना बोली, और बाकी रस्मों को कौन कराएगा? भाभी ने जवाब दिया, मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो। फिर चेतना ने पूछा, पर क्यों? भाभी ने बोला, सामाजिक रीत के मुताबिक विधवाएं हरे मंडप में भी नहीं आती थी, वो तो अब बदलाव का दौर है, मंडप के अंदर विधवा महिलाएं जा सकती हैं। चेतना की आत्मा चीखने को बेताब थी, पर बेटी की माँ ठहरी, वह भी तब जब पति वैभव उसके साथ नहीं था। विवाह की पूर्व तैयारी पर चर्चा करते हुए चेतना ने भाई से पूछा, भैया पंडित का इंतजाम हो गया है ना? तब भाई ने कहा, हाँ बिहारी लाल जी के पुत्र हैं, बताया था ना कि अभिमन्यु जी की पत्नी नहीं रही। फिर चेतना ने कहा, अच्छा तो ये विदुर हैं। भाई ने जवाब दिया, हाँ बहन बहुत बुरा हुआ इनके साथ। तभी चेतना भाभी की तरफ देखकर बोली, विधवा को हरे मंडप में जाने का अधिकार नहीं और पंडित विदुर चलेगा? क्यों भाभी? संपूर्ण वातावरण में एक सन्नाटा पसर गया। भाई भावज, परिवार के जानकारी रिश्तेदार, सबके सब अवाक चेतना को निहारते रह गए। चेतना को सब अपराधी से नजर आ रहे थे। अचानक एक ताजा हवा बालकनी में लगे हरे मंडप की तपन को दूर करती हुई कमरे में आती है। फिर क्या था, हर रस्म में चेतना थी, हर चेतना में उत्सवी रस्में। ये अलग बात है कि चेतना अपनी आंखें भीगते ही पोंछ लेती। धन्यवाद।